हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, उसमें अभी तक सभी लोग हैरान हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जहां एक तरफ पूरे मेन स्ट्रीमिंग के, सोशल मीडिया के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सर्वे धरे के धरे रह गए, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। और अब ये जो एनडीए की जीत और यूपीए की हार है, इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। बहुत सारे लोग ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मतगणना के दौरान जो घपलेबाजी की गई उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन वीडियोस के जरिए से आप देखिए कि कहां कहां पर और किस तरीके से ईवीएम का कल मामला सामने आया, ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मैं आपको दो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप दो वीडियो में देख पाएंगे, एक बिहार का है, एक यूपी का है। उत्तर प्रदेश में भी एक जगह बताया जा रहा है कि इसी को लेकर के विवाद हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन उसकी खबर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में नहीं चलाई गई। बहुत सारे लोग सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीमिंग मीडिया जो है उसका भी इसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, यानी कि एक प्लानिंग है कि एग्जिट पोल अलग दिखाया जाए और जो नतीजे हैं वो अलग आ जाएंगे। क्योंकि जो यूपीए है, अगर यूपीए के फेवर में एग्जिट पोल दिखाया जाएगा तो आप सभी को पता है कि वो उसी की खुशी में पड़ी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ खेल तमाम हो जाएगा। भानु प्रताप को आप देख लीजिए, वो एक वरिष्ठ वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी जो है इस जो रिजल्ट है इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। चलिए मैं आपको अब वीडियो वो दिखा रहा हूं जो वीडियो दो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों हमारे देश में होने वाले सभी तरह के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल ना करके बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, अगर आप मेरी इस मांग से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन हमारे साथ ज़रूर दर्ज करिए। आपका एक एक लाइक आपकी आवाज़ बनेगा और आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर सोचे। खैर, पहला वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बिहार का बताया जा रहा है, आरा में बताया जा रहा है, आरा का वीडियो। खैर, मैं इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये दूसरे एंगल से वीडियो शूट किया गया है। कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, लेकिन ये वही वीडियो है जो दूसरे एंगल से शूट किया गया है। आप पहले इस वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक यूज़र ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और अपने टाइमलाइन पे शेयर किया है, आपको दिखाने की कोशिश मैं करूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। ये देखिए, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो बिहार का है और बताया जा रहा है कि इस वीडियो के ज़रिए से आप देख पाएंगे कि ईवीएम को लेकर के विवाद हो रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो ईवीएम गड़बड़ी का ही है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरा में तीन गाड़ी इसी तरह से पकड़ी गई हैं जिसमें बैलेट पेपर और ईवीएम की हेराफेरी की गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की अगर चीज़ें हुई हैं तो ये बहुत गलत है, इसके निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। अब दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये एक और वीडियो आप वॉच करिए। ये वीडियो भी देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो भी ईवीएम को लेकर के ही है। ठीक है, इस वीडियो को भी आप ज़रा गौर से वॉच करिए। इस पूरे मामले पर वहाँ पर जो अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये नंबर आए हैं तो ये कोई गड़बड़ी है या फिर ऐसा होता है या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अधिकारी कर्मचारी को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। खासतौर से अधिकारियों का मानना है कि इस तरह का भूल चूक होती रहती है और उसको सुधार करने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं। नहीं नहीं, ये भूल चूक ठीक है, होती रहती है, लेकिन ये किस किस्म की भूल चूक है? क्या एक नंबर के दो ईवीएम हो तो वहाँ पार्टी के एजेंट है, उन एजेंटों ने हंगामा किया है, फिर जाकर के जब मीडिया पहुंची है तो प्रशासनिक
अधिकारियों ने मीडिया को बाहर निकाल दिया, मीडिया को बाहर निकाल दिया। इस पूरे मामले पर वहाँ पर जो अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये नंबर आए हैं तो ये कोई गड़बड़ी है या फिर ऐसा होता है या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का वीडियो है, ये मीडिया मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में आप देख पा रहे होंगे कि चलाया गया वीडियो है। इसमें बताया जा रहा है कि एक ही नंबर की दो ईवीएम मिली हैं, एक नंबर, दोनों ईवीएम का सेम नंबर, और जो पोलिंग एजेंट थे समाजवादी पार्टी का के और जो है और जो दूसरी पार्टियों के, उन्होंने जब देखा कि एक सेम नंबर की दो ईवीएम यहां पर हैं तब हंगामा शुरू हो गया। और जब ये हंगामा शुरू हुआ तब मीडिया आना शुरू हो गई, और मीडिया जब आना शुरू हुई तब बताया जा रहा कि वहां के अधिकारी, वहां का जो प्रशासन, वहां के जो सुरक्षा करने वाले लोग थे, उन्होंने मीडिया को बाहर कर दिया कि आप यहां नहीं आ सकते। उसके बाद चुनाव जो अधिकारी वहां बैठे हुए थे वो कह रहे हैं कि ये भूल चूक है, ऐसी भूल चूक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसी भूल चूक है, ये एक बड़ा सवाल है। इतने दिन से प्रिपरेशन होता है, क्या इसीलिए होता है भूल चूक के लिए? एक नंबर की दो ईवीएम आ जाना क्या एक भूल है? और इसी तरह से तो ना जाने कितनी ईवीएम आ सकती है एक नंबर की, जिस पर रियल काउंटिंग की हुई होगी, जिस पर रियल वोटिंग हुई होगी वो ईवीएम बाहर, और जो बाहर से आई हुई होगी, जो अपने अकॉर्डिंग वोट डाले गए होंगे वो अंदर। तो ये कैसी भूल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि सवाल में आखिर आगे क्या होगा, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें, और जो है आप इसके बारे में कमेंट जो है जरूर करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल बिहार के चुनावी नतीजे आप सभी को पता आ ही चुके हैं। एक और अपडेट है इसी के रिलेटेड जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये है MIM को लेकर के, ठीक है। MIM को लेकर के अपडेट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो अभी तक हार हुई है महागठबंधन की, इसमें OIC फैक्टर कितना इफेक्टिव रहा है, कितनी सीटों पर और कहां कहां की सीटों पर MIM ने RJD कांग्रेस का खेल खराब किया है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा कलेक्ट करके आपके सामने एक रिपोर्ट रखने वाले हैं। आप उसमें देख पाएंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन चुनाव हारी है, ठीक है। लेकिन EVM को लेकर के ये बहुत बड़ा सवाल है। दो वीडियो मैंने आपको देखा, इससे पहले भी वीडियो RJD के ट्विटर हैंडल से मतलब जो है डाले गए थे। खैर मैं इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देख पाएंगे मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस पर, नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय को जरूर शेयर करें। और लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में EVM से चुनाव नहीं बैलेट पेपर से होने चाहिए तो वीडियो को एक साथ लाइक करें। 2000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 235 लोगों को ही लगता है कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए। जितने लोगों को लगता है कि बैलेट पेपर इस्तेमाल होना चाहिए हमारे देश के चुनाव में, तो सब के सब लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।